दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर वार करते ये लोग, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर, बीच में खड़ी एक गाड़ी और गाड़ी के दोनों ओर मौजूद भीड़। ऐसा लग रहा है दो सरहद के बीच संग्राम चल रहा है। ये तस्वीरें धार की हैं, जहां दो परिवारों में मामूली विवाद में आपस में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते ये लोग इतनी बुरी तरह से लड़ने लगे कि और क्रूर हो गए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और फिर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे एक व्यक्ति घायल होकर बेसुध पड़ा है, कोई उसे बचाने में जुटा है तो कोई उस पर वार कर रहा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। धार में मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करकदा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें दो परिवारों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धधकती भड़कती इस आग की लपटों ने कईयों के रोजगार को छीन लिया। तस्वीरें बिलासपुर के बुधवारी बाजार के सब्जी मंडी की हैं, जहां तड़के सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। सब्जी मंडी में करीब 80 गुमटियां थीं, जो आग के हवाले हो गईं। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। आग के इस रौद्र रूप ने कईयों के रोजगार को जलाकर राख कर दिया। वहीं आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया, पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन सब्जी मंडी में कुछ बच नहीं पाया। बिलासपुर के सब्जी मंडी में लगी आग की तस्वीर तो आपने देखी ली। अब हम आपको इंदौर सब्जी मंडी में लगी आग की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग चोईथराम सब्जी मंडी की है, जहां किसी अज्ञात कारण से मंडी में आग लग गई। मंडी के कई दुकान आग की जद में आ गए। तस्वीरों में देख सकते हैं मंडी में आग की लपटें उठ रही हैं। आग लगते ही पूरे मंडी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भीषण है कि आग की लपटें गुब्बारों की तरह दिख रही हैं। वहीं मौके पर दमकल की टीम आग को बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की ये दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां चिरिया मार्ग पर एक गैराज में भीषण आग लग गई। गैराज में पूरी तरह से सभी सामान जलकर राख हो चुका है। गैराज में सामान में आग की लपटें और स्वाहा होती तस्वीरें सामने आईं। तो वहीं आग की जद में आसपास की तीन और दुकानें आ गईं। गैराज में लगी आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि दुकानों को अपनी जद में लेती चली गई। पास की तीन दुकानें भी जलकर राख हो गईं। दुकान मालिकों को आग से भारी नुकसान हुआ। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्थानियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया, गैराज और अन्य तीन दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं। मध्य प्रदेश में इन दिनों लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आलम ये कि ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में भी कटौती से लोग हलकान हैं। ग्वालियर शहर की बात करें तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ही इलाके में 4 से लेकर 6 घंटे घोषित बिजली की कटौती हो रही है। वहीं भीषण गर्मी में रात के वक्त भी कई बार बिजली गुल हो जाती है, जिसके चलते आम लोग और छात्र परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर जनता तो परेशान है ही, लेकिन अब तो विपक्ष ने भी बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी दल बिजली कटौती को लेकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो जल्द बड़ा आंदोलन होगा।
लेकिन मंत्री कहते हैं कि सब ठीक किया जा रहा है और कटौती का कारण सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस है। गौरतलब है कि बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी भी ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने अब बिजली कटौती के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर ऊर्जा मंत्री की परेशानियां बढ़ाई हैं और ये सब हो रहा है चुनावी मौसम में। सड़क हादसे की यह खबर खरगोन से है। खरगोन के गोगावा में घोगरिया खेड़ी और बिलाली के बीच अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक किसान की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटने के दौरान किसान बुरी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया था। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची गोगावा पुलिस ने ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से किसान का शव निकाला। तस्वीरों में देख सकते हैं हादसे के बाद ट्रैक्टर में रखा कपास जमीन पर बिखर गया। किसान ट्रैक्टर में कपास भरकर खरगोन जा रहा था। किसान के शव को जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की एक और तस्वीर शाजापुर से आई है, जहां एक बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। कृषि उपज मंडी के पास हुई इस दुर्घटना में कार में सवार चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। तीन घायलों में दो लोगों की जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त वहां से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का काफिला गुजर रहा था। मंत्री परमार ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाकर मौके से पुलिस के आला अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी। सभी सात युवक शाजापुर निवासी हैं, जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। रात के वक्त ये इंडिगो कार में बैठकर बाईपास से शहर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान इंदौर से सारंगपुर की तरफ जा रही महामाया बस से उनकी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कार में सवार इन लोगों को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका। घटना के बाद बस का ड्राइवर और स्टाफ मौके से भाग निकला। कोतवाली पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब मन में सेवा का संकल्प और दिल में जज्बा कायम हो तो उम्र केवल एक नंबर होती है। इस बात की एक वानगी है बैतूल के 66 वर्षीय सतीश पारेख, जिन्होंने विश्व रक्तदान दिवस पर 150वीं बार रक्तदान करके एक मिसाल कायम की है। 1978 से लगातार रक्तदान कर रहे सतीश पारेख देश के कई राज्यों में जाकर रक्तदान कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। वैसे भी कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है। इस बात की जीती जागती मिसाल हैं बैतूल के 64 वर्षीय सतीश पारेख, जो इस उम्र में भी रक्तदान को लेकर जागरूक हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर सतीश पारेख ने 150वीं बार रक्तदान कर एक मिसाल कायम कर दी है। सतीश पारेख ने साल 1978 में पहली बार रक्तदान किया था। सतीश के दोस्त और तत्कालीन भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी निरंजन नेगी के एक परिजन को रक्त की जरूरत पड़ी तो पूरी टीम रक्तदान करने पहुंच गई। उन्हीं के साथ सतीश पारेख ने रक्तदान की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। सतीश पारेख ने साबित किया है कि मानव सेवा करने के जुनून का हो तो उम्र केवल एक नंबर है। महिलाओं बच्चियों के साथ दुराचार की कई खबरें सामने आती रहती हैं। दिन ब दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध का मामला बढ़ता जा रहा है। एक और मामला रतलाम से आया। रतलाम के बड़ोदिया में एक दुष्कर्म के आरोपी के घर पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने रेप के आरोपी राजेंद्र सिंह के मकान पर बुलडोजर चलाया। दरअसल आरोपी राजेंद्र पर 8 साल की बच्ची के साथ घिनौनी करतूत करने का आरोप है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई करने के लिए बड़ौदिया गांव पहुंची और आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया।
छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है। जहां प्रदेश में 15 जून तक मानसून दस्तक देता है, वहीं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश लू की चपेट में है। गर्मी के इस मौसम में बच्चों के लिए खास सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि बिपरजॉय तूफान की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं। गर्मी का सितम आने वाले दिनों में जारी रहेगा। अब इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम ने एक आदेश जारी किया है, अब गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक बढ़ा दी गई हैं। सीएम ने यह फैसला बच्चों को गर्मी और लू से बचाने के लिए लिया। वहीं आने वाले दिनों में गर्मी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। साल भर वृक्षों से भरा ये जंगल और साल भर बहते नदी नालों से आच्छादित पानी, ये है उत्तर छत्तीसगढ़ का रमदहा जलप्रपात, जो कई सालों से सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये अलग बात है कि यहाँ सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी प्रांत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती शहरों के लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। प्रकृति ने रमदहा जलप्रपात और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस तरह सजाया और संवारा है कि पहली ही नजर में ये जगह यहाँ के सैलानियों को बहुत पसंद आती है। कई फीट ऊंचाई से नदी का अनवरत गिरता पानी और आसपास के घने जंगल इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि छुट्टियों के दिनों में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ यहाँ प्रकृति का आनंद उठाने पहुँचते हैं। बनास नदी पर एक बहुत ही सुंदर झरना है जो बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भरतपुर क्षेत्र में घने जंगलों के बीच कई फीट की ऊंचाई से पानी गिरता हुआ देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिला प्रशासन इस जलप्रपात की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पा रहा? हजारों की संख्या में सैलानियों के रमदहा जलप्रपात पहुंचने के बाद भी वहां तक जाने वाला रास्ता इस तरह बेहाल है कि लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। जो यहां आते हैं प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उचित इंतजाम न होने की वजह से निराशा भी होती है। जो रास्ता वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है वह बहुत ही गुणवत्ता विहीन है, जो करप्शन की कहानी को बताता है। बहुत गर्मी है और गर्मी से राहत के लिए जहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए वहां व्यवस्थाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है। दरअसल ये तस्वीरें सीधी जिला अस्पताल की हैं, जहां वार्डों में भर्ती मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर पंखा एसी सभी के सभी बिजली की आंख मिचौली की वजह से ज्यादातर खराब हो चुके हैं। अस्पताल में ना जनरेटर है और ना कोई व्यवस्था। इसका खामियाजा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखिए कोई कपड़ों से मरीज को हवा दे रहा है तो कोई हाथ वाले पंखे से। जब इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन से बात की गई, तब जाकर उन्हें होश आया और जल्द से जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिया। गुजरात में तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आशंका है कि अरब सागर से आ रहा ये तूफान 14 से 15 जून तक गुजरात में लैंड फॉग करेगा। ये तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है, जिसका अलर्ट लगातार मौसम विभाग दे रहा है। बिपरजॉय के 15 जून की शाम को जखाऊ पोर्ट के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तटों को पार करने का अनुमान है। इस दौरान भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे में यह भयंकर तबाही मचा सकता है। लोगों को समुद्र किनारे जाने से मना किया गया है। वहीं मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। तूफान के मद्देनजर गुजरात के 8 जिलों में अब तक 37,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। एक तरफ गर्मी में जहां मरीज अस्पताल में बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ सतना में गर्मी की वजह से जो जल संकट आया है उससे लोग परेशान हैं।
तपती गर्मी का मौसम चल रहा है। इस तपती गर्मी में जल संकट दिन ब दिन गहरा रहा है। तस्वीरें सतना के आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत मझगवां की हैं, जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं। देवलाहा में भीषण पेयजल संकट है। ग्रामीण जहां जिस कुएं से पानी भरने पहुंचे हैं, वो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इस तपती गर्मी में ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि 350 परिवार सिर्फ एक कुएं के पानी पर निर्भर हैं। सभी परिवार एक एक बूंद पानी को मोहताज हैं। गांव में एक हैंडपंप भी है जो खराब हो चुका है। एक कुआं है जिसमें बूंद बूंद पानी रिसता है, और यही कुएं का पानी आदिवासियों का कंठ गीला कर रहा है। 24 घंटे लोग यहां पानी के लिए कतार लगाए रहते हैं। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद पानी मिल रहा है, वो भी पीने लायक नहीं। सड़क, अस्पताल, एम्बुलेंस, ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं आज के दौर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। लेकिन आज भी हालात अलग हैं। शहरों में अस्पताल और एम्बुलेंस की सुविधा तो मिल रही है, सड़क भी है, लेकिन गांव की तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। अंबिकापुर के पटकुरा पंचायत के घटौन से आई ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोलती है। देखिए सड़क नहीं होने का क्या अंजाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। इस तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि सिस्टम ही खाट पर है। सड़क नहीं होने की वजह से अंबिकापुर से ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आते रहती हैं, जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। गांव के 7 किलोमीटर की सड़क के लिए कई बार मांग उठ चुकी है, लेकिन प्रशासन और सिस्टम आंखें मूंद कर और कान बंद कर सो रहा है। एक तरफ जहां ग्रामीणों को गांव में पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बलौदा बाजार के लवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। पानी नहीं रहने से भीषण गर्मी में कूलर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मरीज सीलिंग फैन से ही काम चला रहे हैं। वहीं टैंकर से अस्पताल को पानी की आपूर्ति की जा रही है। अस्पताल में 2 बोर हैं। एक बोर में पीने योग्य साफ पानी मिलता है, लेकिन वो बोर कई दिनों से खराब है। दूसरे बोर में पीने योग्य साफ पानी नहीं मिलता है। इसका उपयोग पीने के अलावा अन्य काम में किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में कम से कम 20 से 25 मरीज हमेशा भर्ती रहते हैं। ऐसे मरीज जिन्हें 2 से 3 दिन तक अस्पताल में ही रुकना होता है। सूरजपुर के भवारखोह पंचायत के 2 दर्जन से ज्यादा पंडो जनजाति का परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गर्मी के दिनों में यहां के निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण डबरी नाले का पानी पीने को मजबूर है। ये पानी इन्हें भीषण गर्मी के बीच 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। पंडो जनजाति के ये लोग पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। उधर भैयाथान एसडीएम का कहना है कि दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से सुविधाएं पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। एमबीबीएस की डिग्री लेने में 5 साल का समय लगता है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होनहार छात्रों को सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर इंसान धरती का भगवान यानी डॉक्टर बन पाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि डॉक्टर बनने के लिए ना इतने समय की जरूरत, न मेहनत और न ही इतने पैसों की, बस 10,000 रुपए लाइए और एक दिन में मेडिकल की डिग्री ले जाइए, तो सुनकर किसी को भी हैरानी होगी। जमाना भले ही 2G से 5G तक पहुंच गया, लेकिन यह रफ्तार तो फिर भी असंभव है। कोई स्टूडेंट कितना भी जीनियस हो, एक दिन में मेडिकल की पढ़ाई कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। एमपी के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये कमाल
या कहे करतूत हुई है। तस्वीरों में नजर आ रही इस युवती ने जीवाजी यूनिवर्सिटी से एक दिन में मेडिकल की डिग्री हासिल कर ली और इस डिग्री के दम पर 2 साल से नौकरी भी कर रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी पुलिस की रडार पर आ गया है, पुलिस इस फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही है। यूनिवर्सिटी से पिछले 5 साल के दौरान जारी MBBS की डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री, इंटर्नशिप, पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करने वालों की जानकारी पुलिस ने तलब की है। आशंका जताई जा रही है कि फर्जीवाड़े का ये खेल लंबे समय से चल रहा था और पुलिस अब खेल का खुलासा करने में जुटी है। ड्यूटी से गायब लेकिन वेतन भरपूर उठाया, वो भी 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 4 साल। फर्जीवाड़े और लापरवाही की खबर कोटा से आई है, जहां लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना देवी को 4 साल पहले एक गनमैन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन वो गनमैन विधायक के पास पहुंचा ही नहीं और 4 साल से वेतन उठाकर मौज मस्ती करता रहा। विधायक ये सोच रही है कि उसका गनमैन मिला नहीं और पुलिस विभाग ये मान रहा है कि गनमैन विधायक यहाँ ड्यूटी पर है। ऐसा करते करते 4 साल गुजर गए। अब मामले का खुलासा होने के बाद गनमैन को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले लाडपुरा विधायक कल्पना देवी की सुरक्षा में कोटा सिटी पुलिस लाइन से जितेंद्र सिंह को गनमैन दिया गया था, लेकिन वो विधायक के पास पहुंचा ही नहीं और बिना ड्यूटी के वेतन उठाता रहा। गनमैन का ये कारनामा तब सामने आया जब पुलिस ने औपचारिक वेरिफिकेशन के लिए कॉल लगाया, लेकिन गनमैन का फोन नहीं लगा। इस पर विधायक को फोन लगाकर गनमैन से संपर्क करना चाहा, तब पता चला कि विधायक के पास तो गनमैन है ही नहीं। आज से नहीं, पिछले 4 साल से विधायक बिना गनमैन के चल रही हैं। इसके बाद तो बस हंगामा मच गया, पुलिस भी सख्ते में आ गई और 4 साल से नौकरी कर रहे गनमैन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में अनुप्रिया दुनिया में सफलता की झंडे गाड़ रही हैं। अनुप्रिया के टैलेंट को देखकर दिग्गज भी हैरान हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 6 साल की बेटी शतरंज में नंबर 1 बन गई है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने जून महीने की रैंकिंग जारी की है, जिसमें अनुप्रिया यादव को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। अनुप्रिया को ये रैंकिंग अंडर 7 बालिका वर्ग में मिला है। अनुप्रिया को 1307 अंक मिले हैं। प्रयागराज की बेटी ने फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड रैंकिंग में 2 नंबर पर फ्रांस की बुनी है, तो 3 नंबर पर बांग्लादेश की बारिसा और 4 नंबर पर इंग्लैंड की नूबी है। अनुप्रिया यादव दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को अपना आदर्श मानती है और उनकी तरह ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। अनुप्रिया की माँ सरस्वती सरकारी स्कूल की टीचर है, जबकि पिता शिव शंकर यादव प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। अनुप्रिया की बड़ी बहन प्रिया यादव भी शतरंज खेलती है, उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए हैं। अपनी बड़ी बहन को देखकर अनुप्रिया ने शतरंज खेलना सीखा।